नेक लोग जन्नत में शराब के ऐसे सागर पिएंगे जिनमें आबे काफूर की आमेजिश होगी। ये एक बहता चश्मा होगा जिसके पानी के साथ अल्लाह के बंदे शराब पिएंगे और जहाँ चाहेंगे बसहूलत उसकी शाखें निकाल लेंगे। दुनिया में औरों को पिलाते थे ना, आज इनकी बारी है। ये वो लोग होंगे जो दुनिया में नजर पूरी करते हैं और उस दिन से डरते हैं जिसकी आफत हर तरफ फैली हुई होगी और अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन और यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं और उनसे कहते हैं कि हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह की खातिर खिला रहे हैं, हम तुमसे न कोई बदला चाहते हैं न शुक्रिया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह की खातिर खिलाना क्या होता है कि जिस पर इंसान को किसी भी रिवार्ड की दुनिया वालों से तवक्को न हो, दिल में भी ना हो कि ये मेरे लिए कुछ करेगा। इब्न तैमिया कहते हैं जो मोहताजों से दुआ या तारीफ का तलबगार हो वो इस आयत से निकल गया। यानी किसी से ये मत कहे कि मैं तुम्हें दे रहा हूं बस आप दुआ में याद रखिए। बाज़ुकत ऐसा होता है ना कि हम किसी के साथ कोई एहसान करते हैं तो वो हमारा शुक्रिया अदा करने लगता, तो हम कहते नहीं कोई बात नहीं आप शुक्रिया नहीं अदा कर, बस दुआ में याद। एक चीज तो हमने नहीं की, शुक्रिया तो नहीं चाहा, लेकिन दूसरा बदला मांग लिया कि हमने एहसान किया आप भी हम पे एहसान करें। याद रखिए जो इखलास होता है ना, खालिस बंदा, वो किसी भी चीज की उम्मीद नहीं रखता दूसरे से एहसान के बदले में। यानी एहसान के बदले में न दुआ की तलब न तारीफ की तलब, क्योंकि ये भी बदला लेने का इरादा होता है। क्योंकि दुआ भी एहसान के बदले की किस्म है। आपको बताया था मैंने कि अगर कोई आप पर एहसान करे तो आप उसको अगर वैसा बदला नहीं दे सकते तो क्या करें, दुआ कर दें। तो ये तो बदला है ना एहसान का। तो किसी से किसी भी चीज की, हत्ता कि दुआ की भी तवक्को नहीं करनी चाहिए ना मुतालबा करना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ अल्लाह की खातिर खिला रहे हैं। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम अल्लाह का दीदार करना चाहते हैं। और फिर ये दुआ के लिए कहते रहने की आदत नहीं होनी चाहिए। बाज़ुकत क्या होता है, जैसे मैं दुआ मांग के निकलती हूँ तो रास्ते में फिर लोग कहते हैं हमारे लिए दुआ कर, तो मैं कहती हूँ अभी क्या किया है। यानी उस वक्त आपका दिल क्या हाजिर नहीं था, वो दुआ नहीं हो रही थी। तो हमें सोच समझ के जुमले बोलने चाहिए कि हम किसी से कह भी रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, क्योंकि जिंदगी का एक एक लम्हा है, अपना भी और दूसरे का भी कीमती होता है। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअ वला शुकूरा। हमें तो अपने रब से उस दिन के अजाब का खौफ लाहिक है जो सख्त मुसीबत का इंतहाई तवील दिन होगा, बस अल्लाह ताला उन्हें उस दिन के शर से बचा लेगा, ये है बदला, और उन्हें ताजगी और सुरूर बख्शेगा और उनके सब्र के बदले में उन्हें जन्नत और रेशमी लिबास अता करेगा। वहां वो ऊंची मसनदों पर तकिए लगाए बैठे होंगे, न उन्हें धूप की गर्मी सताएगी न जाड़े की ठंडक, जन्नत की छांव उन पर झुकी हुई साया कर रही होगी और उसके फल हर वक्त उनके बस में होंगे कि जिस तरह चाहे उन्हें तोड़ लें। यानी जो तलब करेंगे वो खुद ही सामने आ जाएगा। उनके आगे चांदी के बर्तन और शीशे के प्याले गर्दिश कराए जा रहे होंगे। जन्नत की क्रॉकरी देखिए, चांदी के बर्तन शीशे के प्याले, शीशे भी वो जो चांदी की किस्म के होंगे, क्रिस्टल क्लियर, और उनको मुंतजमीन जन्नत ने ठीक अंदाजे से भरा होगा, यानी कि छलक छलक के ट्रे में गिर रहे हों। उनको वहां ऐसी शराब के जाम पिलाए जाएंगे जिसमें सूंट की आमेजिश होगी। ये जन्नत का एक चश्मा होगा जिसे सलसबील कहा जाता है। इनकी खिदमत के लिए ऐसे लड़के दौड़ते फिर रहे होंगे जो हमेशा लड़के ही रहेंगे। तुम उन्हें देखो तो समझो कि मोती हैं जो बखेर दिए गए। वहां जिधर भी तुम निगाह डालोगे नेमते ही नेमते और एक बड़ी सल्तनत का सरो सामान तुम्हें नजर आएगा। सुभान अल्लाह। उनके ऊपर बारीक रेशम के सब्ज लिबास और अतलस और दीबा के कपड़े होंगे। उनको चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे और उनका रब उनको निहायत पाकीजा शराब पिलाएगा। ये है तुम्हारी जजा और तुम्हारी कारगुजारी काबिल कदर ठहरी है।